नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। फर्रुखाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जिला वदर अपराधी को किया गिरफ्तार। इससे संबंधित की प्रेस वार्ता, फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। थाना फर्रुखाबाद के अंतर्गत दिनांक 7 तारीख को सूचना मिली थी, जिसके अंतर्गत जो वादी ने बताया था कि उनका जो बेटा है उसने 2020 में लड़की है नेहा, जिसके साथ में शादी कर ली थी कोर्ट मैरिज पर। जब वो लड़का 7 तारीख को फर्रुखाबाद क्षेत्र के अंतर्गत जो उसके लड़की के फादर के घर पर गया था, उनका नाम धर्मेंद्र चौहान, तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करी, उसके सर पे सरिये से मारा और बाद में सरिये से उसके गले को काट दिया। जो बगल का प्लॉट था वहाँ पर उसकी डेड बॉडी को छुपा दिया। जो ये डेड बॉडी है, इसी के ये सूचना थाने पर दी गई थी। थाने पर तुरंत से इसके संबंध में धारा 300 गया। साथ ही साथ जो अभिक के पिता हैं, ये जो मृतक के पिता हैं, उनकी निशानदेही पर डेड बॉडी को रिकॉर्ड किया गया। और उसके क्रम में जो 3 जिसके अंदर लड़की के फादर, उनका नाम धर्मेंद्र चौहान, साथ ही साथ उनकी पत्नी, उनका नाम उमा चौहान, बेटा प्रशांत चौहान, ये तीनों नाम थे। इसमें से आज सुबह करीब 10:30 बजे मसीनी चौरा 13 तारीख को मसीनी चौरा के पास जो मुख्य अभियुक्त है धर्मेंद्र चौहान जद्दू को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इनके कब्जे से एक हसिया, लोहे की सरिया और रक्तरंजित कपड़े ये बरामद हुए हैं। और जल्द ही इसमें अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जिला बदर अपराधी, इसका नाम सुनील बिहार पुत्र सुंदरलाल है, जो कि लकुला थाना कोतवाली फर्रुखाबाद करने वाला है। जो जून माह में जिला बदर किया गया था, उसको एक तमंचा और एक कारतूस के साथ कोतवाली फर्रुखाबाद के द्वारा अरेस्ट किया गया और आगे।